अब इस्लाम चाहता है कि किसी एक के पास में जो सरमाया है वो ना रह जाए, माल किसी के एक के पास में ना रह जाए, हर जना इसमें तरक्की करे। और कुछ ऐसे भी हैं, ऐसे अच्छे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हदीस के मुनकिर जिसको हम कहते हैं, तो वो सिरे से इसको मना करते हैं, बोले जकात का मतलब पैसे वाली जकात नहीं, जकात का मतलब तस्किया, पाक करना, तो अपनी नफ्स को पाक करना है, वो वाली बात नहीं, उसको पैसे देना, तो जकात नहीं देते। कुछ लोग ऐसे भी कुछ हैं, बहुत कम लोग हैं देते ही नहीं हैं। और कई लोगों ने इस अरकान पर गौर करके कुछ किया, तो कुछ ने सोचा कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा निज़ाम, ऐसे भी हैं कुछ लोगों ने गौर फिक्र किया इन आयतों पर, तो उन्होंने कहा कि ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि सबकी आमदनी बराबर होनी चाहिए सारे मुसलमानों की, तो जो भी जितना भी काम करता है पूरा का पूरा हर महीने सबसे ले लो, गवर्नमेंट ले ले, उसके बाद में बरोबर बरोबर सब में बांट दे, यानी मजदूर के पास भी बराबर और आका के पास भी बराबर, एक जैसा सबके पास में जाना चाहिए। इस तरह से भी लोगों ने इसको करने की कोशिश की, लेकिन ये कि अल्लाह के रसूल सल्लम के दौर में ऐसा नहीं था, सहाबा की बहुत सारे मालदार भी थे और बहुत सारे ऐसे थे जो वो जो सुफा में रहते थे, असाबी सुफा थे, तो उनके पास कपड़े भी नहीं होते पहनने के, तो ऐसे भी थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लम ने नहीं किया। और ऐसा जो है दुनिया के लोगों ने किया, कई कुछ कुछ जगह पर अभी भी बाकी है, कम्युनिज्म जिसको कहा जाता है, लोगों ने किया कि वो काम सबसे करेगी, गवर्नमेंट सबका पैसा ले लेती और फिर गवर्नमेंट अपने हिसाब से दे देती किस किस को कितना कितना देना चाहिए, उनके उन्होंने कैटेगरी किया उसमें। लेकिन उससे क्या होता है कि ये फिर वो तरक्की को रोकना है, एक आदमी के पास सलाहियत है, वो सलाहियत के हिसाब से रोज 10,000 का काम कर लेता है, उसके बाद हुनर है और सलाहियत है। एक आदमी के पास कुछ भी नहीं है, सलाहियत भी नहीं है, कुछ नहीं है, बस सामान इधर से उधर ढो सकता है, इसके अलावा कुछ काम नहीं कर सकता, और कमाया उसने 10,000 और ये तो 100-150 रुपये कमाने लायक, और सरकार ने इसको भी दे दिया कि तुमने कमाया तो 5 तुम्हारा 5 तुम्हारा, तब वो सलाहियत वाला क्यों करेगा, जब मिलना ही 5 है उसको तो काम क्यों करेगा, तो भी कहेगा टाल मटोल करो, इतना ही कर दो, जितना मिलना तो उतना ही है अपना। तो ये तरक्की को रोकने के लिए, और ये इंसानी फितरत के खिलाफ, इंसानी फितरत इसको कबूल ही नहीं करती, वो तो चाहता है कि जितनी मेहनत करूँ इतना जो है मुझको माल मिले, वो फिर इसके फिर ये तो फिर जो लायक आदमी होगा वो भी काम नहीं करेगा, तो इसलिए ये फेल हो गया दुनिया में। कई लोगों ने इसको पहले जोर शोर से उठाया था, लेकिन ये फिर जल्दी फेल हो गया, चला भी नहीं, बस 30-40 सालों के अंदर पूरी जगह से ख़त्म हो चुका है। तो इस्लाम क्या है कि गैर फितरती अमल नहीं बताएगा कोई सर ऐसा, तो ऐसा इस्लाम में नहीं है और ये नहीं हो सकता, कुछ लोगों ने इस बारे में भी राय दी है।